रेणु भाटिया जवाब दें। रेणु भाटिया एक्शन कब लेंगे आप लोग? देख राशिद, आपने बार बार इन लोगों के नाम दिखाए, शक्ल दिखाई, और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर किसी भी अधिकारी ने अगर कोई गलत स्टेप लिया है या किसी गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया है तो सरकार ने कहा है, योगी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पूरी तरह से जांच होगी किस अधिकारी ने क्या बात किस कंसेंट में कही है और उसके ऊपर पूछताछ होगी। तो इसलिए इंसाफ परिवार को मिलेगा, चाहे वो अधिकारी ने गलत किया हो, चाहे इंसाफ किसी कैसे कर्मचारी मिलेगा? ने गलत किया हो। मैं इन्हीं तस्वीरों को बात की बात कर रहा था। मोदी जी ने नहीं, ये तस्वीरें एक बार चलाएं, एक बार तस्वीरें चलाएं आप। रुकिए मैम, रुकिए, देखें आप, हम चार तस्वीरें दिखा रहे हैं और चार तस्वीरों के जरिए कुछ कहना चाहते हैं। जहां पर कानून को कोरोना हुआ, मेरे दाई तरफ देखिए, ये ऊपर मेरे दाई तरफ यहां वाली तस्वीर, जहां कानून को कोरोना नजर आ रहा है, और कानून जो हाथरस का है, कानून जो जलौन का है, कानून जो मेरठ का है, बलरामपुर का है, आजमगढ़ का है, कानून जो उत्तर प्रदेश की पुलिस का है, जिस कानून के तहत रात में ही अंतिम संस्कार करा दिया गया, जिस कानून के तहत पीड़िता को इंसाफ नहीं मिला, जिस कानून के तहत यह कह दिया गया कि पीड़िता का तो रेप ही नहीं हुआ था, सोच को भी कोरोना है। सोच को कोरोना इसलिए है क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 घटना को लेकर के यह कह दिया कि 12 में जितनी भी बच्चियां थी नाबालिग हैं, घूमने के लिए चली गई थी, और शायद यह कहने की कोशिश की गई है घूमने के लिए चली गई थी तो फिर यह उनकी ही गलती है। सिस्टम को भी कोरोना है, सिस्टम को कोरोना इसलिए है क्योंकि नाकाबंदी, मोर्चाबंदी, घेराबंदी कर दी गई है, हाथरस में कोई जा नहीं सकता। सियासत को कोरोना है जो कि धक्का मार सियासत है, और इसीलिए अनुजात्रे आपसे यह सवाल है, आप राजस्थान में ये बताएं, अब आपको बताना ही होगा कि राजस्थान में अजमेर, बारा, बांसवाड़ा, सीकर, जयपुर, धौलपुर, सिरोही, यहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कब नजर आएंगे, यहां पर कब गांव की पगडंडियों से होकर के गुजरेंगे, जहां पर फोटो अपॉर्चुनिटी, वीडियो अपॉर्चुनिटी मिले से कहीं जाना जायज है क्या? देखिए राशिद भाई, बहुत दुखद है इस तरह की बात करना और इस तरह की चर्चा करना। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि देखिए राहुल जी तो लगातार जाते हैं, सब जगह जाते हैं, जहां जहां संभव हो सकता है जाते हैं और जाएंगे भी, लेकिन ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री कहां दिख रहे हैं? आज सरकार इनकी चल रही है, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार का नारा देने वाले कहां है? उनकी सरकार और उनकी मंत्री कहां खड़ी है देश में? क्यों ये बताएं, जब 2014 में इतने बड़े बड़े वादे और दावे किए गए थे कि हम ये सब कम कर देंगे, और एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2014 से लेकर के 2020 के बीच में पूरे देश में 7% से ज्यादा इजाफा हुआ है महिलाओं पर अत्याचार और वुमेन क्राइम को लेकर के और रेप के केसेस में लेकर के। तो ये बताएं कि देश का माहौल अकेले राजस्थान को टारगेट किया जा रहा है। देखिए रेप के केसेस बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, एक भी हो, लेकिन पूरे देश में किस तरह से बढ़ता जा रहा है, कहां है लॉ एंड ऑर्डर, क्यों है? राहुल गांधी जी लगातार जाते हैं जहां जहां संभव होता है, अकेले वही देश में ऐसा नहीं। आजम खान को भी टारगेट किया गया था, राहुल गांधी मौन थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, राहुल गांधी मौन थे, प्रियंका गांधी मौन थी। अरे सुन लीजिए मेरी बात, रेणु जी सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए, आपके बीच में बोलते हैं थोड़ा सा, क्या बड़ी बात है? आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, आप क्या कर रहे हैं? बताए ना, तो नहीं मुख्यमंत्री आकर के माफी मांगते उस परिवार से जब उनसे फोन पे बात किया, मदद कर भरोसा दिलाया, ये क्यों नहीं बोला एक बार भी? इसमें क्या बड़ी बात है? हाईकोर्ट ने, हाईकोर्ट ने देखिए, आप लोगों ने जवान थे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसी का कोर्ट है, आप क्यों नहीं बात करते मोदी जी? आप क्यों नहीं प्रश्न करने का हिम्मत करते हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से? बताए ना, आप एक महिला एक्टिविटीज है, आप क्यों नहीं प्रश्न करने की हिम्मत करती है देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर से? मुझे ब्रेकिंग न्यूज चलानी पड़ेगी।